नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। मैं हूं पद्मजा जोशी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कश्मीर से, जहां हिंसा जारी है और सरहद पार पाकिस्तान की चालबाजी भी। पाकिस्तान कश्मीर में हिंसा का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उछालने में लगा है। यूएन में भारत ने पाकिस्तान के दुष्प्रचार का करारा जवाब दिया तो उसने भारत को बदनाम करने के लिए दूसरे रास्ते तलाशने शुरू कर दिए। खुद आतंकवाद से जूझता मुल्क अब एक आतंकी की मौत पर शोक मना रहा है। आज सुबह एक विशेष सत्र बुलाया गया पाकिस्तान में। नवाज शरीफ ने उस मीटिंग के भारत के बयान पर बौखलाया पाकिस्तान। टू ऑल पीपल इन ऑल कंट्रीज टू बिल्ड कलेक्टिव एंड सस्टेनेबल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। कश्मीर पर मनाएगा ब्लैक डे। लगता है आतंकी हिजबुल कमांडर बुरहान वानी की मौत पाकिस्तान को पच नहीं रही है। वानी के मुद्दे पर यूएन में अपनी फसीहत कराने के बाद पाकिस्तान बौखला सा गया है। पाकिस्तान की खीस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान ने ब्लैक डे मनाने का फैसला किया है। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में कश्मीर मुद्दे को लेकर हाई प्रोफाइल मीटिंग की। भारत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कश्मीर पर चर्चा करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने संसद का विशेष संयुक्त सत्र बुलाया है। पाकिस्तानी इतिहास में यह पहली बार था जब भारत के कश्मीर मुद्दे को लेकर संयुक्त सत्र बुलाया गया है। मीटिंग में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के अलावा आर्मी चीफ राहिल समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद थे, जहां मंगलवार को ब्लैक डे मनाने का ऐलान किया गया। इससे पहले यूएन में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी, जहां यूएन में भारत के राजदूत अकबरुद्दीन ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। Came from Pakistan, a country that covets the territory of others, a country that uses terrorism as state policy towards that misguided end, a country that extols the virtues of terrorists and provides sanctuary to UN listed terrorists, and a country that masquerades its efforts as support for human rights and self-determination. Pakistan is the same country whose track record has failed to convince the international community to gain membership at the Human Rights Council in this very session of the United Nations General Assembly. दरअसल पाकिस्तान ने यह मुद्दा मानवाधिकार बहस के दौरान उठाया, जहां आतंकी वानी के एनकाउंटर को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कहा। पाकिस्तान ने वानी को कश्मीरी नेता बताया जिसे इंडियन आर्मी ने मार दिया, लेकिन पाकिस्तान को भी उम्मीद नहीं थी कि भारत यूएस में इस तरह का जोरदार जवाब देगा, जिसके बाद पाकिस्तान अब अपनी खीज निकालने में लगा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान एक बार फिर यूएन में ये मुद्दा उठाने की बात कर रहा है। भारत की झाड़ खाने के बावजूद पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर में हुई हिंसा की पारदर्शी और स्वतंत्र जांच की मांग की है। पाकिस्तान ने कहा है कि कश्मीर में परिस्थिति शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। यूएन में पाकिस्तान की राजदूत मसीहा लोधी ने पान की मून की अंडर सेक्रेटरी एडमिन मुलेट से मुलाकात की और जाँच के लिए जोर दिया। साफ है कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को मुंह की खाने की आदत पड़ गई है, जिसका आलाप गाए बिना उनका खाना भी हजम नहीं होता। आज तक ब्यूरो। खुद के बलूचिस्तान में आए दिन मानव अधिकार हनन की घटनाएं सामने आती हैं, पर पाकिस्तान कश्मीर में एक आतंकी के मारे जाने के बाद अब ब्लैक डे मनाना चाहता है। उधर कश्मीर घाटी में 6 दिन बाद सुरक्षा घेरे में सन्नाटा है। अब तक 37 लोगों की मौत हो गई है, 1800 से ज्यादा लोग घायल हैं। सरकार शांति बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश करने में जुटी है। अमरनाथ यात्रा भी फिर से जम्मू से आगे रोक दी गई है। आज शुक्रवार है, लेकिन फिर भी घाटी में सन्नाटा है। पिछले 6-7 दिनों से प्रदर्शनकारियों के हंगामे की आग में झुलस रहे कश्मीर में राहत है। वजह है सुरक्षा और चौकसी का एक ऐसा घेरा जिसे तोड़ने की हिम्मत अलगाववादियों के शह पर उपद्रव कर रहे चंद प्रदर्शनकारियों में नहीं है। श्रीनगर समेत कई जिलों में कर्फ्यू जारी है। पीएफ और जम्मू और कश्मीर पुलिस का ये काफिला इस समय डाउनटाउन श्रीनगर की अलग अलग सड़कों से गुजर रहा है। आप देख सकते हैं इस पूरे इलाके में किस तरह की सुरक्षा को तैनात किया गया है। यहाँ तारबंदी है, कुछ इलाकों में पुलिस और सुरक्षा बलों को रोकने के लिए अलगाववादी तत्वों ने, उनके समर्थकों ने रास्ते में पत्थर गिरा रखे हैं, लेकिन ये काफिला बार बार रुकता है। बख्तरबंद गाड़ियों का ये काफिला है। जुमे और हंगामे की आशंका के मद्देनजर पूरी कश्मीर घाटी में कर्फ्यू जारी है। पूरे राज्य में मौत का आंकड़ा 37 तक जा पहुंचा है।
घायलों की तादाद 1800 को पार कर गई है। 138 लोगों की आंखों में गोली बारूद से गहरे जख्म लगे हैं। शोपिया की 14 साल के ईशा की आंखों में भी चोट लगी है। पिछले शनिवार की शाम खिड़की से अचानक पैलेट गन का गोला ईशा के सिर से टकराकर फट गया। ईशा को अगले साल 10वीं की परीक्षा देनी थी। सपने कामयाबी के आसमान छूने के थे, लेकिन डॉक्टरों ने कहा है कि ईशा शायद अब फिर से इस रंग बिरंगी दुनिया को नहीं देख पाएगी। जब खिड़की के अंदर भट्टी पड़ती थी, अंदर ये दो लड़की थी, एक चूल्हे के हेड बैठा हुआ था, एक लड़की पड़ती थी यहाँ, उसके सिर में वो छला आ गया। कश्मीर में हिंसा की वजह से अमरनाथ यात्रा फिर से रोक दी गई है। जम्मू के पास रोके गए बाबा बर्फानी के भक्तों ने पाकिस्तान को जमकर कोसा, ये भी कहा कि सरकार इनकी सुनवाई नहीं कर रही है। सर जाम लगा हुआ है, गाड़ी वहाँ पूछने जा रहा है, पता लग रहा है कि यात्रा बंद है, कर्फ्यू लगा हुआ है। बिठाने के बाद भी कोई वहाँ पर बताने वाला नहीं है कि बस जा पाएगी या नहीं जा पाएगी। 11:30-12 बजे के आसपास अनाउंसमेंट हुई है कुछ कि वहाँ पर रास्ता खराब हो रहा है, इस वजह से यात्रा स्थगित कर दी गई है। आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद कश्मीर के घाटी क्षेत्र में बवाल है। असर न सिर्फ अमरनाथ यात्रा पर पड़ रहा है, बल्कि श्रीनगर समेत तमाम प्रभावित जिलों के आम लोगों की जिंदगी मुश्किलों में पड़ रही है। जम्मू से अश्वनी कुमार के साथ अशरफ वानी और गौरव सावंत, श्रीनगर आज तक। फ्रांस के नीस शहर में जो हुआ वो आतंक के इतिहास में पहली ऐसी घटना थी जब एक आतंकी ने बेगुनाहों को खत्म करने के लिए बम बंदूक की जगह एक ट्रक का इस्तेमाल किया। आतिशबाजी देखने जुटी हजारों की भीड़ पर इस आतंकी ने एक ट्रक चढ़ा दिया। नतीजा 84 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों घायल है। नीस शहर, फ्रांस, तारीख 14 जुलाई 2016, वक्त करीब 10:30 बजे। फ्रांस के शहर नीस में अचानक भगदड़ मची, चीखें आसमान का सन्नाटा तोड़ने लगी। सड़क पर लोग बेतहाशा दौड़े, जिसे जहां मौका मिला वहीं भागा। भागने वाले हजारों थे, ऐसा लगा जैसे प्रलय के दर्शन हो गए हों। फ्रांस की सड़क पर जश्न मनाती भीड़ आतंकी हमले का शिकार थी। इस बार आतंकी ने बेगुनाहों का खून बहाने के लिए किसी धमाके का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि एक ट्रक से एक झटके में कई जिंदगी को खामोश करता गया। आपको बताते हैं कि यह हमला कैसे हुआ। दरअसल इस सफेद रंग के ट्रक को देखिए, भीड़ को देखकर इसकी रफ्तार कम नहीं हुई बल्कि और तेज हो गई, और वो सीधे दनदनाते हुए सड़क पर चल रहे लोगों के बीच घुस आया। सड़क पर दौड़ती इस मौत ने 2 किलोमीटर तक की पूरी सड़क को लाशों से पाट दिया। पूरी सड़क खून से तरबतर हो गई थी। चश्मदीदों के मुताबिक ट्रक चला रहा आतंकी गोली भी चला रहा था, लेकिन तब तक पुलिस हरकत में आ चुकी थी। पुलिस ने दौड़ाकर इस ट्रक को घेर लिया, गोलियों से आगे का शीशा छलनी कर दिया। ट्रक चला रहा आतंकवादी मौके पर ही ढेर हो गया। इस आतंकी हमले में 84 लोगों की मौत हुई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। आतंकी हमले की जिम्मेदारी बगदादी के आतंकी संगठन ISIS ने ली है। ट्रक चला रहे आतंकवादी की पहचान भी हो चुकी है, वो 31 साल का ट्यूनिशियन आतंकी बताया जा रहा है। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति ने इसे आतंकी हमला करार दिया। Ignore it as a terrorist attack, and it is very violent. फ्रांस में इमरजेंसी 3 महीने के लिए और बढ़ा दी गई। पिछले 9 महीने के भीतर फ्रांस में ये दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। इन दो हमलों में अब तक 214 लोगों की मौत हुई है। ताजा हमला और उसका तरीका हैरत में डालने वाला है। दुनिया फ्रांस में हुए इस हमले से दंग है। आज तक ब्यूरो। 18 महीने में तीसरा ऐसा आतंकी हमला फ्रांस के अंदर। अब रुक करते हैं गुजरात का, जहां 9 महीने बाद पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल जेल से रिहा हुए। सूरत की सड़क पर हजारों की भीड़ उमड़ गई। दिन भर शहर में हार्दिक पटेल घूमते रहे और साथ में चलती रही हजारों की भीड़। गुजरात हाईकोर्ट ने हार्दिक को जमानत तो दे दी है, लेकिन 6 महीने तक प्रदेश से बाहर रहने का आदेश भी दिया है।
जेल से फाटक खुला और पाटीदार आंदोलन के नायक हार्दिक पटेल ने 9 महीने बाद आजादी की सांस ली। बाहर कदम पड़ते ही समर्थकों ने कंधे पर उठा लिया। जेल के बाहर जमकर आतिशबाजी भी हुई और नारेबाजी भी। हजारों की तादाद में हार्दिक समर्थक रिहाई के वक्त मौजूद थे। पाटीदारों ने सरकार को अपनी ताकत का आभास कराया। सफेद रंग की एसयूवी की छत पर बैठे हार्दिक पटेल का काफिला शहर में दिन भर घूमता रहा। सड़कें पटी हुई थी, लोग घरों की छत पर चढ़कर हार्दिक के काफिले को देख रहे थे। यहाँ पे हजारों की तादाद में भीड़ आप देख सकते हैं। ये पाटीदार पावर दिखाने की कोशिश है सरकार को दिखाना चाहते हैं कि पाटीदार अब भी एक है। जुलूस शहर के चौहद्दी नापते रहे और बीच बीच में समर्थक हार्दिक का सत्कार करते रहे। हार्दिक ने सूरत में कुलदेवी के दर्शन भी किए। मंदिर के बाहर हजारों की भीड़ जुटी। समर्थकों से घिरे हार्दिक को ताकत का आभास था, लिहाजा मीडिया के सामने आए तो सीधे प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे दी। ना मुझे हाइट चाहिए, ना मुझे बॉडी चाहिए, ना मुझे 56 इंच का सीना चाहिए, मुझे तो समाज के लिए सिर्फ हक चाहिए। मैं पहले भी कह सकता हूँ कि मेरी कार्य पद्धति बदल जाएगी, लेकिन मेरे तेवर यही रहेंगे। पटेल नेता को इस शर्त पर जमानत मिली थी कि वो 6 माह तक गुजरात से दूर रहेंगे। खबर है कि हार्दिक राजस्थान के उदयपुर में रह सकते हैं। हालांकि हार्दिक का दावा है कि वो पूरे देश में घूमकर आंदोलन के लिए समर्थन जुटाएंगे। सूरत से गोपी खांगर के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे संवाददाता गोपी घांगर भी हार्दिक के शक्ति परीक्षण की साक्षी रही। भीड़ को देखकर आत्मविश्वास से लबरेज हार्दिक ने क्या कहा वो सुनिए। जेल से छूटने के बाद हार्दिक पटेल हमारे साथ मौजूद है। हार्दिक ये बताइए, 9 महीने जेल के अंदर रहे, अब रणनीति क्या रहेगी? रणनीति में मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं जेल जितने भी रणनीति है उसे बदलूंगा, कार्य पद्धति से कार्य करूंगा, लेकिन जो अपने तेवर में रखता हूँ वो उसी प्रकार रखना चाहता हूँ। मैं पूरे समाज के साथ, ओबीसी समाज, एसटीएससी समाज, आदिवासी समाज, सब लोगों को साथ रखकर उन लोगों के भी प्रश्नों का निराकरण करना चाहता हूँ। और मेरा एक ही काम है कि इस राज्य को निर्माण तक लेकर देश को नवनिर्माण बनाना है। हार्दिक, एक बात बार बार आप जब जेल में थे तब आ रही थी कि अमित शाह आपके बैकिंग कर रहे हैं और आनंदी बैन की सरकार को गिराना चाहते हैं पाटीदारों के जरिए, क्या कहेंगे? लोग तो बातें करते हैं, अमित शाह की जो भी बात करने की स्टाइल अलग है, आनंदी बहन की अलग है, वो एक राजनीतिक दल से ऊपर आए हुए तो वो अपने अपने तरीके से बात करते हैं। मैंने पहले भी कहा है, लेकिन मालूम नहीं मीडिया वाले को अमित शाह बहुत पसंद है, वो भी चाहते हैं कि क्या अमित शाह को ये गुजरात दिया जाए। वो वक्त बताएगा किसके हाथ में गुजरात होगा। और वो इतना बड़ा समुदाय है, अमित शाह ने मुझे कभी फोन भी नहीं किया, ना मेरा उसका मेरे पीछे बैक है। मेरे पीछे जो ये आज देखा आपने लाखों लोग जुड़े, वही मेरा बैकग्राउंड है। हार्दिक ये बताइए कि अब पुणे के पास गोल्डन मैन दत्ता फुगे की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। ये वही शख्स थे जिन्होंने 3 साल पहले 3.5 किलो की सोने की शर्ट पहनकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया था। अब अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हो गया है। सोने की शर्ट, सोने की भारी भरकम माला, सोने का कड़ा, सोने हीरे की अंगूठी, दुनिया दत्ता फुगे को गोल्डन मैन के नाम से ही जानती थी। 3 साल पहले सोने की 3.5 किलो की 1,27,00,000 कीमत की गोल्ड शर्ट पहनकर दत्ता फुगे का नाम गिनीज बुक तक में दर्ज हो चुका है। लेकिन गोल्डन मैन दत्ता फुले अब यादों, तस्वीरों, किस्से, कहानियों में ही सिमट कर रह जाएंगे, क्योंकि पुणे के पास भारत माता नगर में बीती रात इनका मर्डर कर दिया गया है। गोल्डन मैन को मौत भी बेहद दर्दनाक मिली है, क्योंकि 8 से 10 अज्ञात हमलावरों ने पत्थरों से कुचलकर उन्हें मार डाला। गोल्डन मैन दत्ता फुगे अपने किसी करीबी मित्र के घर एक समारोह में शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे। साथ में उनका बेटा शुभम भी था। रास्ते में दिघी गांव के पास अचानक 8 से 10 हमलावरों ने दत्ता फुगे पर धारदार हथियारों से वार कर दिया। जमीन पर गिरने के बाद हमलावरों ने दत्ता के सिर पर बड़े बड़े पत्थरों से वार कर
उन्हें मौत के घाट उतार दिया। बेटा शुभम वहां से भागने में कामयाब रहा। शुभम की शिकायत पर पुलिस ने 8 से 10 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है, लेकिन अभी भी किसी की समझ में ये नहीं आ रहा है कि हत्यारे कौन है और गोल्डन मैन से उनकी क्या दुश्मनी थी। समीर शेख, पुणे, आज तक। इंडिया 360 में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की सारी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।